तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपने फेसबुक अकाउंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे फेसबुक अकाउंट पे एक प्रॉब्लम आया है, यूजर नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के फेसबुक प्रोफाइल पे और पेज पे आया। यदि आपका पेज है तो वहां पे पेज नॉट एलिजिबल करके आया होगा, और यदि आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया है तो वहां पे यूजर नॉट एलिजिबल करके आया होगा। ये लगभग सभी के फेसबुक पेज पे और प्रोफाइल पे आया है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके दिखा देते हैं जो इसमें क्या प्रॉब्लम आया और इसका कैसे सोल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ही लिखा हुआ है यूजर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं, इसमें लिखा हुआ है आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन दैट वी कांट अप्रूव दिस यूजर राइट नाउ, कीप शेयरिंग कंटेंट दैट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन लेटर। मतलब कि इसके कहने का मतलब है जो हमने अपने फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे जो भी कंटेंट शेयर किया है ना, वो किसी और का कंटेंट है, वो हमारा कंटेंट नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे यूजर नॉट एलिजिबल। और देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में जो है अदर मोनेटाइजेशन टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल्स। मतलब कि यूजर नॉट एलिजिबल जो ये प्रॉब्लम आया ना, इसके वजह से हम अपने फेसबुक को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे किसी भी टूल से, नहीं स्टार से, नहीं इनस्टीम ऐड से, नहीं ऐड ऑन रील से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा जो ये आपके फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे आया है या नहीं। वैसे तो ये सभी के पेज और प्रोफाइल पे आया है और ये हट भी जाएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सब ट्रिक आगे वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता कहां से करिएगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आ जाना है। सबसे पहले मेन प्रोफाइल पे आ जाना है, देन यहां पे आने के बाद सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे आने के बाद देख सकते हैं ये जो फेसबुक का प्रोफाइल है ना, इसमें देखिए यहां पे मिलियन में रीच है, फॉलोअर्स भी है, यहां पे 41,000 फॉलोअर लास्ट 28 डेज में इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी इस प्रोफाइल पे कुछ उस तरह का यूजर नॉट एलिजिबल करके प्रॉब्लम आ चुका है। और भी हमारा 2-3 प्रोफाइल है जिसपे सेम प्रॉब्लम आया है, लगभग बोले ना सभी के फेसबुक पेज पे और प्रोफाइल पे ये प्रॉब्लम आया है। पता कैसे चलेगा, तो आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन। आपको क्या करना है, सिंपली प्रोफाइल रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद नीचे में देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट प्रोफाइल स्टेटस का और दूसरा मोनेटाइजेशन का। तो यदि आपका फेसबुक मोनेटाइज हुआ रहेगा या तो स्टार से या ऐड ऑन रील से या इनस्टीम ऐड से किसी भी चीज से, तो आपको मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और तभी आप में ये मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन दिखेगा भी। यदि आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो है प्रोफाइल स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल यहां पे मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यूजर नॉट एलिजिबल, और ऊपर में है अनओरिजिनल कंटेंट, और यहां पे देख सकते हैं ये सभी ग्रीन है। यहां पे देखिए ये भी जो भी प्रॉब्लम है ना, ये सभी ग्रीन है। तो जिन लोगों के पेज पे या प्रोफाइल पे यहां पे नीचे में ये ग्रीन है उनका बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और जिनका ये नहीं है उनका भी ठीक होगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यहां पे देख सकते हैं यूजर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आया है, ये जो है कल से ही हमारे फेसबुक पेज पे आ रहा है, और बहुत से लोग हैं जिनका बहुत पहले से आ रहा है, तो आज की वीडियो को देखने के बाद उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों यहां से तो आप पता कर लीजिए जो कैसे चेक करिएगा जो आपके भी फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे यूजर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आया है या नहीं। यदि इस तरह का प्रॉब्लम आया है तो कैसे सॉल्व करिएगा, ये आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक से रिलेटेड ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको फॉलो कर लेना है। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद हम बताते हैं जो इस प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो हमारा दो और जो है फेसबुक प्रोफाइल है जिसपे यूजर नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम आ चुका है, उस पर हमने अपना कंटेंट डाला ओरिजिनल कंटेंट, लेकिन फिर भी वहां पे यूजर नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम आया। तो सबसे पहले हम आपको वहां पे वो दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने दूसरे फेसबुक प्रोफाइल पे आ चुके हैं, और सबसे पहले हम आपको यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने जितना भी वीडियो डाला नहीं, ये हमारा खुद का वीडियो है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए जितना भी लॉन्ग वीडियो है ये सभी हमारा वीडियो है। उसके बाद हम आपको रील्स वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी आपको रील्स देखने को मिल रहा होगा ना, ये सभी रील्स हमारा खुद का है, लेकिन फिर भी इस प्रोफाइल पे भी यूजर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ चुका है। हम सीधा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है और प्रोफाइल रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों ये जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल है ना, ये किसी भी चीज से मोनेटाइज नहीं है, नहीं स्टार से, नहीं इनस्टीम ऐड से, नहीं ऐड ऑन रील से। तो इसलिए यहां पे देख सकते हैं आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा, यहां पे सिंपली प्रोफाइल स्टेटस का ही ऑप्शन है। तो हम प्रोफाइल स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे में रिस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है। देखिए रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, हम सिंपली इस पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे आपको यूजर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ऊपर में मोनेटाइजेशन इशू
चुका। हमने आपको दिखाया इस पे हमने जितना भी वीडियोस डाला ना, ये हमारा खुद का वीडियो था, हमारा खुद का ओरिजिनल कंटेंट था, फिर भी यहाँ पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आया है और यूजर नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो आपको दो ट्रिक बताने वाला हूं, इस दोनों ट्रिक से 100% आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ, क्योंकि ये हमारा भी प्रॉब्लम है और हम भी इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो रिपोर्ट किस तरीके से करना है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरा, आप ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो फेसबुक का कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगा जो कहां पे आपको ईमेल आईडी मिलेगा और ईमेल आईडी से आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है ना, यूजर नॉट एलिजिबल। यदि आपका फेसबुक का पेज है तो वहां पे आएगा पेज नॉट एलिजिबल, प्रोफाइल है तो यूजर नॉट एलिजिबल। तो आपको क्या करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट आपको यहां से ले लेना है। जैसे कि देख सकते हैं हमने एक स्क्रीनशॉट यहां ले लिया और दूसरा स्क्रीनशॉट आपको यहां पे ले लेना है, दो स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है, देन यहां पे देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन है, तो हम यहां पे भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जितना भी आप में प्रॉब्लम है, दो या तीन जो भी स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेना है। सबसे पहले यूजर नॉट एलिजिबल वाला का स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद यदि अनओरिजिनल कंटेंट का प्रॉब्लम है तो अनओरिजिनल कंटेंट वाले का भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये सभी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आ जाना है, पूरा प्रोफाइल पे बैक होकर आ जाना है। देन यहां पे देख सकते हैं ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, थ्री लाइन का ऑप्शन, आपको सिंपली थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद ऊपर में स्क्रॉल करिएगा, यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट का। देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पे नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट करने से पहले यदि आपने ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट किया है तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करने से पहले एक बार आपको लाइव आ जाना है। यदि आपने ओरिजिनल कंटेंट नहीं पोस्ट किया या कोई सा भी कंटेंट नहीं पोस्ट किया है तो आपको कम से कम दो वीडियो शूट कर लेना है, ब्लॉग टाइप का कोई सा भी दो वीडियो शूट करके पहले अपलोड कर लेना है, उसके बाद आपको लाइव आ जाना है। लाइव में आके कुछ कुछ बोलते रहना है और उस लाइव को भी आपको अपलोड कर देना है, मतलब दो वीडियो अपलोड करना है, एक लाइव अपलोड करना है। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है और रिपोर्ट में आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है सब आपको बताऊंगा, वीडियो को आपको बस एंड तक देखना है। तो चलिए हम यहां पे कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पे क्रिएटिंग रिपोर्ट हो रहा है और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, जो फेसबुक प्रोफाइल से या पेज से आप पैसा अर्न करना चाहते हैं या किसी भी पेज से या प्रोफाइल से, कमेंट में किसी को गाली नहीं देना, क्योंकि यदि आप गाली दीजिएगा ना तो उससे आपके फेसबुक पेज पे और प्रोफाइल पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा और वो ठीक भी नहीं होगा। और देख सकते हैं यहां पे भी लिखा हुआ है, जो किसी को आप कमेंट में गाली देते हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं होता है, यदि प्रॉब्लम उसके वजह से आता है तो उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आपको सिंपली यहां पे डोंट इंक्लूड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहां से आपको जो है ढूंढना पड़ेगा जो आपका फेसबुक का पेज है या प्रोफाइल, तो आपका फेसबुक का प्रोफाइल है तो यहां पे आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। जैसे कि देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देन अब यहां पे आपको क्या करना है, जो तीनों स्क्रीनशॉट आपने लिया था ना उसमें से सबसे पहले आपको लगाना है यूजर नॉट एलिजिबल वाला स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद आपको लगा देना है अनओरिजिनल कंटेंट वाला स्क्रीनशॉट, उसके बाद आपको लगा देना है फिर से रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन वाला, मतलब जैसे आपका प्रॉब्लम है यूजर नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसका ही स्क्रीनशॉट लगा देना है। उसके बाद अब आपको यहां पे डिस्क्राइब द इशू वाले ऑप्शन में अपने इशू को डिस्क्राइब करके फेसबुक को बताना पड़ेगा, तो इसमें क्या चीज लिखना है कैसे लिखना है सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी कॉपी कर लेना है, तो वो कहां से कॉपी होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं यहां पे आपको फेसबुक प्रोफाइल पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहां पे क्लिक करके और योर प्रोफाइल लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने लिंक को कॉपी कर लेना है, क्योंकि वहां पे आपको अपना फेसबुक का लिंक भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बता देते हैं जो यहां पे किस तरह से लिखना है, अपने इशू को किस तरह से डिस्क्राइब करके बताना है। देन उसके बाद हम आपको बता देंगे जो आप ईमेल आईडी से कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां से रिपोर्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको हम ईमेल आईडी से रिपोर्ट करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हमने आपको समझाने के लिए यहां पे अलग से इसको लिख के रखा हुआ है। देखिए हमने यहां पे जैसे लिखा ना एज इट वैसे ही आपको लिखना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम आपको बता देंगे जो कैसे इसमें चेंज करना है। तो देख सकते हैं हमने यहां पे लिखा है हेलो फेसबुक टीम, आई अपलोड माय ओवन वीडियोस ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल, आई ऑल्सो फॉलो ऑल द मोनेटाइजेशन रूल ऑफ फेसबुक एंड रेगुलरली अपलोड वीडियोस अलोंग विथ लाइव। मतलब कि हमने फेसबुक को बताया जो हम अपने फेसबुक अकाउंट पे, मतलब कि फेसबुक प्रोफाइल पे या पेज पे अपना खुद का वीडियो अपलोड करते हैं, साथ ही साथ हम फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी फॉलो करते हैं और हम रेगुलरली लाइव भी करते रहते हैं। बट आई फील द प्रॉब्लम यूजर नॉट एलिजिबल, लेकिन हम अपने फेसबुक पेज पे, यदि आपका पेज है तो पेज डाल देना, यदि आपका फेसबुक का प्रोफाइल है तो प्रोफाइल डाल देना है, फेसबुक प्रोफाइल पे यूजर नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम शो कर रहा है, सो प्लीज रिसॉल्व माई इशू एज सून एज पॉसिबल, सो जल्द से जल्द हमारे प्रोफाइल को रिव्यू करे और इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। उसके बाद आपको यहां पे अपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक लगा देना है, यदि पेज है तो पेज का लिंक लगा देना। तो चलिए इसको कॉपी करके और एज इट हम वहां पे लिख लेते हैं। यदि आप में
वहां पे मोनेटाइजेशन संबंधित भी कोई इशू है तो आपको यहां पे जो वीडियो देखने को मिल रहा है ये वीडियो देख लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके फेसबुक पे यदि अनओरिजिनल कंटेंट का कोई इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हमने डिस्क्राइब द इशू वाले ऑप्शन में अपना इशू भी यहां पे लिख दिया है, यहां पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। अब सिंपली यहां पे एरो का ऑप्शन आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा, यहां से आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं हमारा रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुका है और फेसबुक का टीम हमारे फेसबुक प्रोफाइल को एनालिसिस करेगा जो सच में हमने अपना खुद का कंटेंट डाला है कि नहीं, हम लाइव करते हैं या नहीं। यदि सब कुछ सही रहेगा तो 5 से 6 दिन में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यूजर नॉट एलिजिबल का भी, अनओरिजिनल कंटेंट का भी, सब प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको भी रिपोर्ट कर लेना है। देन रिपोर्ट करने के बाद आपको वीडियोस डालते रहना, ऐसा नहीं वीडियो नहीं डालना है, आपको वीडियोस डालते रहना, अपना खुद का वीडियो डालना है, कॉपी पेस्ट वीडियो नहीं डालना है। कहीं पे आपको ब्लॉग ही शूट कर लेना है, ब्लॉग को ही आपको अपलोड कर देना है। देन आपको साथ में साथ लाइव भी करते रहना है, जैसे 7 दिन 8 दिन पे एक बार आपको लाइव करते रहना है। रिपोर्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको वीडियोस रेगुलरली डालते रहना है और लाइव भी करते रहना है, सप्ताह में 1 लाइव कम से कम करना है। जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तब नहीं करिएगा लाइव, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस तरह से यहां से आपको क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट कर देना। अब ईमेल आईडी से आप कैसे यहां से हेल्प ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे देख सकते हैं ऊपर में ही आपको एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे में कॉन्टैक्ट अस का, देख सकते हैं यहां पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेगा ना तो यहां देखिए यहां पे एंड्रॉइड ऐप हेल्प का ऑप्शन है, सिंपली यहां पे क्लिक करके आपका एंड्रॉइड फोन है तो यहां से एंड्रॉइड ऐप हेल्प को सेलेक्ट कर लेना है। देन ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे आपको एक ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा fvgoindia@support.facebook.com और यहां पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पे यही लिखा हुआ है जो यदि आपको फेसबुक पे किसी तरह का इशू होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे रिपोर्ट कर सकते हैं या आप फेसबुक को लिख के भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, फेसबुक को जैसे लेटर लिखा जाता है ना वैसे लिख के भी आप इस वाले पते पे यहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पे ये पता दिया हुआ है। तो ईमेल आईडी से कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आपके इनस्टीम ऐड में एरो का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आपको ये वीडियो देख लेना है। और यदि आप स्टार मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सही तरीके से वहां पे टैक्स इंफॉर्मेशन भी फिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वीडियो आपको देख लेना है, दोनों वीडियो आपको देख लेना है। इस प्रोसेस से आपका यहां पे जो भी रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो, पेज नॉट एलिजिबल हो या आपका यहां पे यूजर नॉट एलिजिबल हो, सब प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको फॉलो कर लेना है। ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर लेना है। और इस सभी प्रोसेस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होना तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पे आपको फॉलो करके मैसेज कर लेना, क्योंकि फॉलो करके मैसेज करिएगा तभी हमारे में मैसेज शो होता है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम का अपडेट कब कब आता है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सब आपको बताने वाला हूं। और वहां पे हमने डिस्क्राइब देश में जो भी लिखा हुआ है या यहां पे जो ईमेल आईडी है ये सभी हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।